नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बीते 15 जून को जींद से चली डिप्लोमा धारक पशु चिकित्सक संघ की पदयात्रा का खंड बराड़ा में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सर्व कर्मचारी संघ के जिला पदाधिकारी नायब सिंह ने बताया कि डिप्लोमा वेटनरी एसोसिएशन हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से VLDA कर्मचारी और पशुपालकों की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन के प्रथम चरण के अंतर्गत 15 जून से शुरू किया गया पैदल मार्च आज 12वें दिन बराड़ा में पहुंचा। इसका सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ब्लॉक कमेटी बराड़ा की ओर से ब्लॉक प्रधान ओम प्रकाश के नेतृत्व में फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी के साथ रेलवे अंडरपास पर स्वागत किया और तमाम कर्मचारी नारेबाजी करते हुए पशु अस्पताल बराड़ा में पहुंचे, जहां पर एक आम जनसभा करके एकत्रित हुए गांवों के पशुपालकों, किसानों और कर्मचारियों को संबोधित किया गया और पर्चे वितरित किए गए। इस जनसभा में सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव महावीर पाई, राज्य नेता रविन्द्र शर्मा और संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद सोनी भी उपस्थित रहे। बराड़ा से हमारे संवाददाता पूर्ण सिंह की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।